जय भद्र विशाल, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वाईबी ब्लॉग्स में। और आज अचानक से प्लान बनाया हमारा नीति जो टिम्बरसैंड महादेव है वहाँ जाने के लिए। तो चलिए आज को दिखाते हैं आज का ट्रिप। और मेरे साथ अभी हैं, यहाँ देखिए अरमान है, सिब्बू है और मैडी भैया, मंदी भैया और सत्यम हो गया आलोक भैया। हम छः लोग हैं अभी। और अभी शाम का टाइम है, बद्रीनाथ से निकल रहे हैं, मौसम भी ख़राब है। तो चलिए देखते हैं आगे। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जोशीमठ में। यहाँ पे देखिए पेट्रोल पंप है, यहाँ से अभी हमको एक भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा नीति पहुँचने तक। तो यहाँ पे से जो टैंक है वो फुल करना है। और अभी तक का सफ़र ऐसा था कि बारिश काफ़ी हो रही थी, फिर भी हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अभी तो यहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं है, तो अभी यहाँ पे से फटाफट पेट्रोल भराते हैं और टंकी फुल करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से आगे उस साइड को एक भी पेट्रोल पम्प नहीं है अभी। और अभी 6 बज चुके हैं और हम लोग पहुंच रहे हैं अभी तपोवन में। और पीछे इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि कैमरा बाहर निकालना भी मुश्किल था। ये बाल देख के आपको पता चल रहा होगा, हम अरमान और मैंने तो रेनकोट पहन लिया है, लेकिन बाकी लोगों के पास रेनकोट भी नहीं है। तो अभी यहाँ से लगभग 60 से 70 किलोमीटर नीति है, वैसे वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाएंगे। 48 किलोमीटर यहाँ से मलारी है, तो देखते हैं वहाँ तक पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे 7 बजे अंधेरा हो जाएगा, फिर भी देखते हैं आज कहाँ तक पहुँचते हैं। और ये देखिए सामने है द्रोणागिरी पर्वत, जहाँ से जब लक्ष्मण जी को लक्ष्मण शक्ति लगी थी तो हनुमान जी ने जो संजीवनी बोटी के लिए जो पर्वत उठाया था द्रोणागिरी, वो भी यहीं पे स्थित है। आप लोग कभी इस रूट पर आएंगे तो ज़रूर देखिएगा, यहाँ पे बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, द्रोणागिरी पर्वत हनुमान लिफ्टेड संजीवनी। और हम लोग पहुंच चुके हैं अभी मलारी गांव में। यहाँ पे पहुंचने तक इतनी तेज बारिश हो रही थी कि यहाँ से आगे हम बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। और रहने के लिए हमें मिला है, यहाँ देखिए, ये देखिए सभी लोग कपड़े इतने गीले हो गए हैं। यहाँ देखिए बिल्कुल एक छोटा सा कमरा है जिसमें नीचे ग्राउंड बेड लगा हुआ है, लेकिन मज़ेदार एक्सपीरियंस रहेगा आज रात का। और अभी हम हैं मलारी गांव में और रात काफ़ी हो गई है, 8:30 के आसपास अभी बज रही होगी। और बारिश जो है वो अभी बंद हो गई है। अभी हम यहाँ पे से एक होटल था वहाँ पे हमने थोड़ा फास्ट फूड था वो खाया, क्योंकि भूख भी काफ़ी लगी हुई थी। अभी खाना बनने में थोड़ा टाइम है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ रूम है हमारा वहाँ पर। और वहाँ पर जो है आग जलाने के लिए जो है, हमने इनको कहा था कि आग जलाने के लिए अगर कुछ हो जाता है तो काफ़ी अच्छे जो भाई साहब हैं जिनके यहाँ पे अभी हम हैं, तो उन्होंने लकड़ी और एक जो कनस्तर टाइप था उसकी व्यवस्था कर दी है। तो अभी रूम में जाके हम लोग आग जलाएंगे। और अभी आग जलाई है हमने और जो कपड़े थोड़े बहुत सूख रहे थे
वो यहाँ पे सुखाने के लिए डाल दिया है। यहाँ देखिए यहाँ ऊपर सारे टांग रखे हैं, और अभी यहाँ पे हमारा चल रहा है कार्ड्स, उनका गेम खेलने का, थोड़ा देर टाइम पास करने के लिए। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7, और आज हमने यहाँ से नीति के लिए 20 किलोमीटर के आसपास का जो सफ़र है वो तय करना है। और क्योंकि आज है मंडे, तो आज सावन का सोमवार है, तो वहाँ पे जो टिम्बरसेन महादेव जी का मंदिर है वहाँ तक हमने पानी चढ़ाने के लिए जाना है। तो वहाँ तक जो जाएंगे, वहाँ तक भूखे पेट जाएंगे, उसके बाद वहाँ पे देखेंगे नाश्ता वगैरह जो भी है। तो अभी सभी लोग उठ चुके हैं यहाँ पे, और बाहर आए तो मौसम भी काफ़ी अच्छा है, हल्के बादल लगे हुए हैं, लेकिन जो व्यू है काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ से आपको भी दिखाते हैं यहाँ का व्यू। और अभी यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो गए हैं, और जो नहाने धोने का प्रोग्राम है वो रास्ते में ही करेंगे। सभी लोगों की बाइक तैयार हो चुकी है, तो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से फटाफट, क्योंकि हमारा हमने अभी वापस बद्रीनाथ भी जाना है आज ही। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमने किया है, अभी 7:30 के आसपास हो रहे हैं, तो यहाँ से निकल रहे हैं अभी। हम लोग गमसाली जो गांव है वहां पे पहुंचने वाले हैं, उससे पहले यहां पे एक पानी का धारा है, वहां पे हम लोग जो नहा रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग हाथ मुंह धो रहे हैं, क्योंकि हम मंदिर है वो ज़्यादा दूर नहीं है। और अभी सभी लोग नहा करके तैयार हो गए हैं, पानी काफ़ी ठंडा था लेकिन सभी लोग फिर भी नहा गए हैं, क्योंकि अभी मंदिर जाना है तो बिना नहाए मंदिर नहीं जा सकते हैं। यहाँ देखिए सभी लोग रेडी हो गए हैं, अब जो जिसने भी कपड़े चेंज करने थे कपड़े सभी ने चेंज कर लिया है। अब यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर हमने और जाना है। और अभी हम लोग पहुँचे हैं गमसाली गांव में, और यहाँ पे गांव की जो महिलाएं हैं वो भगवान शिव जी का भजन कर रहे हैं। और यहाँ से थोड़ी दूर पे जो टिम्बरसेन महादेव का जो मंदिर है वो है, सभी लोग आज वहीं जा रहे हैं क्योंकि आज सोमवार है। तो आप पीछे देख सकते हैं कि सभी लोग जो ग्रामीण लोग हैं गमसाली के, वो यहाँ पे भजन वगैरह कर रहे हैं। और हम लोग अभी पहुंच चुके हैं जो टिम्बरसेन मंदिर है उसके नीचे पे, जहाँ पे कार की पार्किंग है। यहाँ पे देखिए सारी गाड़ियाँ यहीं पे खड़ी होती है। उसके बाद यहाँ से ऊपर है शायद 1 किलोमीटर के आसपास पैदल रास्ता होगा, 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं है, तो यहाँ से पैदल जो यात्रा है वो स्टार्ट होगी।
और हम लोग पहुंच चुके हैं टिम्बरसैंण महादेव, जो छोटा अमरनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, उनके गेट पे। यहाँ से थोड़ा सा ही ऊपर और बचा है। यहाँ पे से ऊपर जूते हम ले जा नहीं सकते हैं, तो यहीं पे जो जूते हैं वो यहीं पर उतार दिए जाते हैं। यहाँ से ऊपर नंगे पैर जाया जाएगा। हम लोग पहुंच चुके हैं छोटा अमरनाथ टिम्बरसैंण महादेव जी के शिवलिंग है जो उसके पास में। यहाँ पे सर्दियों के टाइम पे जो बर्फ़ का शिवलिंग जैसा अमरनाथ में देखा जाता है, वैसा ही शिवलिंग यहाँ पर भी देखा जाता है, इसलिए इसे छोटा अमरनाथ कहा जाता है। और यहाँ की खास बात यह है कि जो भगवान शिव का शिवलिंग है उस पर प्राकृतिक रूप से जो जल है वो चढ़ाते हैं, क्योंकि जहाँ पे शिवलिंग के ऊपर से बहुत सारी जलधाराएँ खुद से ही बह रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे नीति गांव के जो नवयुवक हैं उन्होंने भंडारे की व्यवस्था की है, तो अभी हम लोग भी यहाँ पर बैठ के भंडारे का सेवन कर रहे हैं। और आप लोग अगर यहाँ पर मंदिर के लिए आते हैं तो यहाँ पर जहाँ पर गाड़ी पार्किंग होती है, यहाँ नीति गांव के लोगों द्वारा काफ़ी अच्छी जो भंडारे की व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर और खाने के लिए होटल वगैरह है नहीं, तो इनके द्वारा काफ़ी अच्छी पहल। अगर आप कभी भी यहाँ आते हैं सावन के महीने में, तो इनके द्वारा आपको जो भंडारा है उसकी व्यवस्था की जाती है, और प्रतिदिन जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पर भंडारा प्रसाद पाकर ही जाते हैं। और यहाँ से अभी थोड़ी दूर पे जो नीति गांव है, इस साइड से जो बॉर्डर के लिए सबसे लास्ट गांव पड़ता है वहाँ पे तक हम लोग अभी जाएंगे। और हम लोग पहुँच चुके हैं नीति गांव में। हमने आज यहीं तक आना है। और ये गांव देखे काफ़ी अच्छा लास्ट गांव है, बॉर्डर पे बसा हुआ गांव है, और पूरे पत्थर के मकान अभी तक यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और अब तो काफ़ी मकान कुछ नए बन गए हैं, लेकिन जो पुराने मकान हैं यहाँ देखे काफ़ी नए देखने को मिल सकते हैं। और हमारी जो जर्नी है वो यहीं तक है अभी, तो मेरे साथ के लोग और मंदी भैया बताएंगे कि अब तक की जो जर्नी है आपको कैसा लगा। हाय, कल शाम को जैसे हम आ गए थे तो काफ़ी बारिश लग रही थी, सबका मूड ऑफ हो गया था कि यार सब बेकार हो गया, लेकिन अभी जब हमने सुबह जर्नी स्टार्ट की है नीति गांव है, बहुत ही एक्साइटमेंट है, सबके चेहरे खिले हुए हैं, और वेदर भी आप देख रहे हैं बहुत शानदार है, कुल मिला के हमें बहुत मज़ा आ रहा है। तो कुल मिलाकर जो अभी तक का ट्रिप है काफ़ी मज़ेदार रहा है। बीच में काफ़ी जगह दिक्कत भी हुई है, क्योंकि गधेरे बड़े हुए थे तो बाइक में काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन अभी तक मज़ा काफ़ी आया है। अगर हम लोग कल की जगह आज निकलते थे तो आज बहुत थकान लग जाती थी, लेकिन आज अभी जो हम आए हैं काफ़ी मज़ेदार रहा है अभी तक का सफ़र। तो यहाँ पे है इंडिया की पहली चाय की दुकान बॉर्डर साइड से, और हम लोग आए हैं लास्ट चाय की दुकान माणा से। तो नीति और माणा बिल्कुल अपोजिट साइड है दोनों। बाकी अभी तक का जो जर्नी रहा है, कल बारिश, आज हम लोग जब वहाँ टिम्बरसैंण पहुँचे तो नीति गांव वालों की ओर से भंडारा था, काफ़ी सुंदर, बहुत अच्छा लगा। यूथ बहुत आगे आ रहा है, सफाई बहुत अच्छी है, सब जगह पोल्यूशन कम करें। इस ब्लॉग के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि पोल्यूशन सबसे कम करें, तो ये चीज़ें आपको सब जगह मिल जाएंगी। थैंक यू। और अभी नीति गांव से वापसी के लिए हम लोग निकल चुके हैं।
और अभी हम हैं बंपा गांव में, जो कि नीति से 7-8 किलोमीटर पहले पड़ता है। और यहाँ पे है फैला पंचनाग जी का मंदिर। यहाँ पे जो गांव की महिलाएं हैं कीर्तन भजन कर रहे हैं। अभी काफ़ी सुंदर पुरानी शैली में बनाया गया मंदिर। और यह है मलारी गांव। कल रात हम यहीं रुके थे, लेकिन अंधेरे में आए थे, इसलिए मैं कल आपको दिखा नहीं पाया था। यहाँ देखिए कैसी जगह पे बना बसा हुआ गांव है। और जो घर आपको दिख रहे होंगे सारे पुरानी शैली में बने हुए हैं। काफ़ी सुंदर सा गांव। और अभी मैं पहुंच चुका हूं घर पे, और कपड़े भी काफ़ी गीले हो गए थे तो कपड़े अभी चेंज कर लिए हैं। और आपने अभी देख ही लिया होगा कि कैसे हमने जो नाले थे वो पार किए हैं। तो चलिए इस व्लॉग को आज यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल YB Vlogs को। थैंक यू।